हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि का सेकेंड डे, मेरा व्रत नहीं है, बंसल जी का व्रत है। बंसल जी पीछे शूट कर रहे हैं और सुबह के बज रहे हैं 6। बंसल जी नहा भी चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। मेरी एक्चुअली पूरी रात से लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, इसीलिए मैं कुछ और काम नहीं कर पा रही, मैं उठ भी नहीं पा रही। गुल्ला भी उठ गया है और यहाँ पे अनुपमा भी चालू हो गया है, सुबह ही सुबह चालू हो गया। अरे देखो, गुल्ला उठ के अपना चकला बिना निकाल लिया इसने। इसको पता है मम्मी के दर्द हो रहा है, तो ये तो कुछ मम्मी तो कुछ बनाएगी नहीं, तो अपने चकला बिलन पर अपनी रोटी यही सेक लूँ। पापा का व्रत है, पापा कुछ खाएंगे नहीं। इस गरीब को चाय पिला दो, घर में सारे काम कर देती हूँ मैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, लेकिन मेरे को इस गरीब को एक कप चाय नहीं मिलती। चाय बना दो प्लीज, चाय बना दो। जितनी देर तुम बातें बनाने में लगा रही, इतनी देर में तो तुम खुद ही चाय बना लोगी। उठो और चाय बनाओ फटाफट, एक कप चाय अपने लिए, एक कप चाय मेरे लिए। आपको तो व्रत है ना? हाँ सॉरी, तो फिर एक कप चाय अपने लिए, एक कप चाय गुल्लू के लिए। गुल्लू चाय नहीं पीता, छोटा है गुल्ला। हाँ गुल्लू छोटा है तो वो तो पिएगा ना, शक्तिमान। शक्तिमान पी चुका है गुल्लू, शक्तिमान भी पी चुका है। तो फ्रेंड्स, गुल्लू का शक्तिमान क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कि हम गुल्लू का शक्तिमान किसको कह रहे हैं। बोला भी नहीं जा रहा, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। एक कप चाय चाहिए, कोई बना के दे दे तो ठीक है, वरना खुद बनाएंगे। चलो ओके, बाय बाय। हमार पति देव जावत है, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। गुल्लू पापा गए, बाय बंसल जी, बी ऑन टाइम। ये देखिए गुल्ला, गुल्ला गुल्ला कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है गुल्ला? गुल्ला 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 गुल्लू, हाथी राजा कहाँ चले? मैं लेकर आरनू का सही लिया दाई में, देखी कि अम्मा वैसे तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम्हें सिर्फ गुल्ला गुल्ला की याद आती है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती और किस की आती? गुल्ला की आती है सिर्फ। तुम कभी ये कहती हो कि तू मेरी पोती है, तू आ जा, ये कह रही है कि सिर्फ गुल्ला गुल्ला ने याद करो, इसने याद ना करते आप। तू सर कभी, मैं कैसे, मेरे को सरकने के लिए जगह भी तो चाहिए, इतनी तो मोटी हूँ मैं। जगह हमारे घर में जगह कोई नहीं, हमारा घर के बड़ा नहीं है। चलो हम जा रहे हैं, छोटे में तुम बड्डी करी थी। ये रहा, ले लिया। क्या छोटे में? छोटे में खानी बड्डी करी। अम्मा मैं इतनी शांति से मेरा हेलमेट खोल लिया, ये बाहर रखा है। शांति का मन दे रहा है, रोज दिन में बैठी सो बरता रहा, तो जीने का गेट लगा देती। और तेरा दादा मार चुटिया पानी में उठ गया। सोनिका मैम चला रही है स्कूटी और आगे है पीछे और चाची, और आने वाला है मज़ा, हम घूमने वाले हैं, खाएंगे पीएंगे मौज करेंगे और क्या। फ्रेंड्स आए हैं पेट्रोल पंप और भरवाई जा रही है पेट्रोल। पेट्रोल पंप पे मिले हैं हमें पेट्रोल पंप वाले भैया, पेट्रोल भरवा लो पेट्रोल भरवा लो, ये ऐसे ही इशारे कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 पेट्रोल भरवाओ। और अब हम बैठ के वेट कर रहे हैं चाची और दीक्षा का, और अब वो आए, वो हवा भरवा रहे हैं, ये पेट्रोल वाले भैया भी चल रहे हैं। आओ आओ आओ, पता नहीं कोई है या नहीं है, मुझे आई थिंक होगा, पर फिर देखिए हाथ कैसे मूव कर रहा है, यार तो सांस कैसे लेंगे पता नहीं। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं पैसिफिक मॉल, बट यहाँ से दिख नहीं रहा क्योंकि सोनिका ने बैंड बजा दिया, मेरी फ्री है यहाँ पे पार्किंग, बट और मॉल्स में फ्री नहीं होती, मोस्टली अब मैं फ्री है। अच्छा, किस किस में फ्री है? पैसिफिक में। अच्छा, हम आए हैं पैसिफिक मॉल, ये पीछे चाची दीक्षा और ये सारे के सारे हमारे साथ आए हैं, चप्पल लेने क्रॉक्स की, और ये देखो
अब एक ये प्रिया मैडम भी क्रॉक्स की चप्पल लेंगी, दीक्षा के पास है, चाची के पास है। तभी लूंगी जब ये लोग एक्सचेंज करके देंगे। एक्सचेंज नहीं करेंगे, वापस जाएगी वो, शायद चेंज होके आएगी। एक्सचेंज ही बोला, एक्सचेंज नहीं, ठीक होके आएगी, मतलब रिपेयर होके आएगी बहन, तेरे को कुछ नहीं पता है, तो रिपेयर होके आएगी, देखते हैं रिपेयर होएगी एक्सचेंज करेंगे ये लोग, उसके बाद हम लोग नया फिर क्रॉक्स लेंगे, अदरवाइज हम क्रॉक्स बैन कर देंगे अपनी तरफ से, फिर क्रॉक्स व्रॉक्स कुछ नहीं लेंगे। वैसे भी क्रॉक में कैजुअल आती है, पार्टी वेयर तो मुझे अभी तक समझ आई ही नहीं है कि आई है, और मास्क पहनना यहाँ पे कंपलसरी है। किसी ने मुझे कहा था कि ना आप नाक पे मास्क नहीं लगाते हो, बहन वेट दे, चल डोसा तो लाइट होता है, पहले मुझे वॉशरूम जाना है, पहले वॉशरूम चलते हैं, आगे 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 चलो, क्योंकि डोसा वोसा खाते हैं फिर मिलते हैं। बैंक टॉप के लिए पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर ला दे, पर्स पहले मेरा दे, फिर अपने पैसे अलग से दे, दिखा, समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आ जा, गाने चल रहे हैं वैसे भी। जी क्या लेके आऊँ और आपके लिए? रहने दो, हमने पेमेंट करनी है तो हम खुद ही निकालेंगे घर जाके। नहीं नहीं नहीं, वो पर्स है ना उसमें है पैसे, और करनी पड़ेगी हमें। नहीं नहीं नहीं, बताओ, मेरे तो फाल से चाची, मेरे लिए नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। हाँ बताओ, कुछ नहीं खाना, आने में भी टाइम लगेगा। फिर दीक्षा मैम आप क्या खाओगे? छोले भटूरे, फ्राइड राइस विद शाही पनीर एंड गार्लिक ब्रेड चीज़। पानी इसका बोतल है ऐसी मिलता है पानी, सोचो 20 रुपए की बोतल आ जाती, 60 रुपए में तीन बोतल आ जाती है इस देरी के, और 30 रुपए का पूरा 15 लीटर वाला कंटेनर आता है। और ले तो पैसिफिक से, तेरे को मैं मना कर रही थी, तेरे को नहीं था कि पैसिफिक खा ले, मतलब प्यास से मर जाओ पर पानी की बोतल मत लो। दोनों घुस गए हैं जारा में कपड़े खरीदने के लिए, बहन बहुत थोड़ा सा कॉस्टली है बहन। उधर उधर यार सुन प्रिया, ये देखियो, अब देखो, दिस इज 3000 सुन प्रिया, इधर इधर मेरी बात सुन, जो ग्रीन कलर वाले जो हम चाची ने अपने मैट पे नहीं बिछा रखा, उसको लेके काटो और बना लो। ने मुझे मेंटल बना दिया है, चार बार चक्कर लगवाए हैं चाची ने, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, चाची उस पर चल के नहीं आए, आप एक्सेलेरेटर पे आए, जाना पड़ेगा। चलो तुम अपनी स्कूटी रजौरी लेके जाओ, चलो चलो चलो, रिक्शा के चक्करों में चाची को जाना पड़ रहा है पैदल। आ जाओ चाची जल्दी जल्दी, फ्रेंड्स ये देखो इतनी हालत बुरी है, सारे हट्टे कट्टे हैं क्या, जबकि सारे हट्टे कट्टे हैं काम करने वाले। सब हम जा रहे हैं रजौरी मार्केट, मेन मार्केट जा नहीं रहे हैं, पहुंच गए हैं, हाँ वही पहुंच गए हैं। मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न, भैया ने इतना स्वीट कॉर्न दिया 70 रुपीस का, और अब हम जा रहे हैं फॉरएवर पे, लेट्स गो। लोग सारे फॉरएवर के बैठे हैं चप्पल लेने, यहाँ से टिकली लाल, मैंने कहा था कम डालना, फिर आपने ज़्यादा डाल दी, लो दे दो। और मुझे लगा आलू टिक्की होगी, लेकिन ये साबूदाने की टिक्की थी। भैया हटना एक बार, चाची पोपट हुआ, आलू टिक्की नहीं है, साबूदाने की टिक्की है। अब मुझे नहीं पता था ये बात, आलू टिक्की है ही नहीं, नहीं लिखा आलू टिक्की, बहन व्रत के टाइम है ना इसलिए नहीं है। ये लो मैं तो एक और चम्मच ला रही हूँ, ये तू खा ले। चाची का मुंह जल चुका है क्योंकि ये टिक्की है बहुत ज्यादा गर्म। दीक्षा कैसा लग रहा है बहन? और ये प्रिया खा रही है अपने व्रत का अलग से ड्राई फ्रूट चाट। हम तीनों का व्रत नहीं है, बस एक ये है इसका व्रत है। दीक्षा खा गई।
हम भी ओरिया में जाकर ये सब आलू खा लेंगे। और मैम भी खा रही थी यहाँ पे। बट थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। बहुत शॉकिंग। और पीछे हो बहन, ये चटकी थी। अबे कहाँ है? और पीछे ला मैं उतारू, ला मैं उतारू, छोड़ूंगी नहीं। दूसरी दे। ये मेरे से ना सरिता मांग रही थी, कह रही कि मेरी आंटी को चटकी चाहिए, मैं आपकी उतार के ले जाऊँ। मैंने कहा तेरी दुकान पट्टी पे लगेगा, अपनी आंटी को क्या खरीद के लाएंगी। क्या कर रहे हो आप किचन में? कॉफी बेटा? नहीं, वो उनका घी का टीन है, हम उनका घी का टीन नहीं लेके जा सकते, बहुत महंगा आता है। गुल्लू 800 रुपए का टीन है, 800 रुपए का टीन है तो हम भी ले लेंगे। बहन आलू जाएंगे निकाल, आ जा। अच्छा 8000 का है। गुल्लू बेचारी, आ जा, डर गया। बंसल जी आ चुके हैं और आज बंसल जी ने झंडे वाले मंदिर में सेवा करी थी। कैसी है भीड़ वीड़ सब? कैसी है? बढ़िया, बहुत भीड़ है। भीड़ है? आप तो मुझे सुबह तो कह रहे थे नहीं है भीड़। भीड़ बहुत है। है भीड़? तो दर्शन नॉर्मल सबके लिए चालू है? सबके लिए चालू है। और कितने बजे से कितने बजे का टाइमिंग है, एक बार मुझे सब बता दो जरा, सब पूछ रहे हैं। रात के 11 बजे तक और शाम को 2 घंटे के लिए बंद होता है। मतलब एक बार में आरती 2 घंटे होती है, वैसे पूछ रहे हो? 1 घंटा आरती में लगता है, 1 घंटा सफाई में लगता है। अच्छा 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 अच्छा, तो 2 घंटे 6 से 8 बंद होता है। 6 से 8 बंद हो जाता है। अच्छा, और दोपहर में भी बंद होता है या नहीं होता? नहीं होता, सुनने का होता तो बता दिया। मैं फिर भी आपसे पूछे जा रही हूँ ना। ये हमारी गुड़िया। हाँ तो कब है वो? अभी यही तो कह रहे हैं कि एंट्री है। कल मैंने जिनको बोला कि तो आज सेवा है, आज सेवा से चालू है। कल? अच्छा कल से वो ही नहीं थी? नहीं सेवा भी थी कल, पता नहीं क्या बोले जा रहे। अरे सोनू आप तो आज से सेवा पे गए हो। मैं आज से गया। पर आपने बोला था कि दर्शन नहीं हो रहे है ना, बोला था ना? नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। और मैं आपको ये कह रही थी, मैंने सोनू आज जीवन में एक बहुत गहराई वाली बात सुनी है। अभी भी सुनी है, सीखी नहीं है? मतलब सीखी है, सॉरी सुनी नहीं है, सीखी है। बता दीजिए क्या है वो गहराई की बात। ये है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारा पति अपना है। वैसे तो पति भी अपना नहीं है, बट फिर भी दोस्ती, रिश्तेदारी, बच्चे कोई अपने नहीं है, सिर्फ पति ही अपना है। पति अपना नहीं है तो फिर पति क्यों? एक मैं एक जनरल बात, वो तो भगवान अपने है। क्वेश्चन मार्क तो आने ही नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान अपने, सिर्फ भगवान अपने। अरे भगवान, भगवान अपने, जैसे भगवान के बाद सेकंड पति है। मैं कह रहा हूँ भगवान अपने हैं। हाँ पक्का है? हाँ बस वहीं पे फुल स्टॉप कर लो। मैं बात, जो अपना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। नहीं तो फर्स्ट सेकंड तो होता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये क्या बात हुई? कोई नहीं होता जैसे, ऐसा नहीं होता कि जैसे मान के चलो गर्लफ्रेंड है पहले नंबर की, ये गर्लफ्रेंड भाई जैसे जो सबसे अच्छी लगे, पहले नंबर की वो, सेकंड नंबर की वो, थर्ड नंबर की वो, तो वो भी तो होता है ना। घुमाने में अच्छी लगती है इसलिए। नहीं नहीं मतलब मैं उस वे में, गलत वे में नहीं कह रही, मैं आपको अच्छे वे में कह रही हूँ। अच्छे वे में कोई वो रखता ही नहीं है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अच्छा ठीक है। सुनिए जी आप क्या कहना चाहोगे? एक चीज दिखाना चाहती हूँ अभी जी, गुल्लू को लटाना। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? गुल्लू का प्यार। मैं गुल्लू को देख के ना सब चंद्रमुग्ध हो जाती हूँ। गुल्ला सुनीता देखा, मैं ये लगा दी। क्या? हाथी राजा। चला ठीक है, चला दिया। गुल्लू, गुल्लू मासी देख रही है। ये उठी उठी उठी, क्या हो गया, क्या हुआ है? आओ पापा पास, आओ पापा पास, कम पापा पास। बुल्ला अब देखना। अरे यार जीजू ने सारा वो कर दिया। अभी ये सोनू देखना, सोनू भाई लेट जा, पसर जा। गुल्ला मेरा नोना बाबू, मेरे शोना बाबू।
गुल्लू इसको लिख दूं। बंद कर दे बहन, बंद कर दे। इसी के साथ इस ब्लॉग की यहीं पर एंड करते हैं। नवरात्रे का सेकेंड डे आप लोगों का कैसा रहा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बंसल फैमिली। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। और इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रही हूँ, आईफोन 13 के रेट 256 GB के क्या हैं, मतलब सारी सीरीज़ के, एक बार मुझे प्लीज़ किसी को बताओ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।